सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मीरा देवी मंडियाली ब्लॉगर में। तो कैसे हो सब लोग, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। कल दिन में ना सारा दिन भर हल्की हल्की बारिश लगी रही, तो कल की बारिश के बाद आज सुबह सुबह मौसम एकदम साफ हो गया है और धूप लग गई है एकदम बढ़िया। और आज ठंड भी बहुत ही कम है, कल तो बारिश की वजह से बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ गई थी हमारे यहाँ भी। और आज ना सुबह सुबह सबसे पहले तो मैं आटा पीसूंगी अपनी चक्की में, मतलब गेहूं का आटा। वैसे आटा मैंने काफी टाइम से नहीं पीसा है अपनी चक्की में, क्योंकि क्या होता है कि ज्यादातर हम आटा ही ले आते हैं। एक तो डिपो में मिलता है, फिर अगर कम पड़ता है तो फिर दुकान से ले आते हैं, लेकिन अभी दुकान में जाने को भी टाइम नहीं लग रहा था। और फिर दिन में क्या पता आज हमारे छत वाले मिस्त्री आ जाएंगे, आया दपक्का तो अभी मैं बोल नहीं सकती हूँ, तो फिर तब मुझे टाइम लगेगा आटा पीसने को। तब मैंने सोचा कि अभी सुबह सुबह ही ये वाला काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और यहाँ पे अपने पशुओं को भी बाहर बांध लिया है हमने, कल तो ये सारा दिन भर अंदर ही रहे और इनको ना अंदर बहुत ही परेशानी हो रही थी, क्योंकि इनको भी बाहर खुले में रहने की आदत है। और हरदीप के पापा चले गए हैं इनको भी उलाने के लिए। हरदीप ना अंदर अभी आग सेक रहा है चूल्हे के पास बैठ करके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और साथ साथ में जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जो लोग प्यारे प्यारे कॉमेंट करते हैं ना उनका मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो ये रही हमारी गेहूँ यहाँ पे, जिसका कि मुझे आटा पीसना है। और अभी ना धूप लगी हुई है, तो मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा फैला करके रख लिया था कि ये थोड़ी सी धूप से गर्म हो जाएगी तो फिर ये चक्की में अच्छे से पीस जाएगी। और पीछे हमारा हमाम रखा हुआ है, तो अभी इसको चालू नहीं किया हुआ है, तो पिछले कल ना बारिश लगी रही सारा दिन भर हल्की हल्की, तो तब इसको अभी चालू नहीं किया है, करना तो है इसको चालू। और यहाँ पे ये सूप है, तो इस सूप से पहले मैं ये जो गेहूँ है इसको कर लूँगी साफ। तो गेहूँ मैंने पीस ली है और आटा ना बढ़िया बारीक निकला है। मैंने तो सोचा था कि पता नहीं आटा कैसा निकलेगा इसमें, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने आज आटा निकाला है चक्की से। ये देखिए ये रहा हमारा आटा, और ये मैंने ना कम से कम 6-7 किलो गेहूँ पीसी है अभी। और आज हमारे छत वाले मिस्त्री भी आ गए हैं, तो इन्होंने काफ़ी इंतज़ार करवाया, पर आज यहाँ पे ये अपना काम शुरू कर रहे हैं, तो अब देखते हैं कितने दिन लगेंगे हमारी छत बनने को। तो यहाँ पे रखा है हमने एंगल, और अब मिस्त्री हमारे ना पहले तो यहाँ से ना ये एंगल ले जाएंगे छत पे। ये डब जना आया था पंगा। और एंगल ना यहाँ से आंगन से नीचे से ऊपर को छत पे पकड़ा रहे हैं। देख लो तो दुकान ना वाला था, करे मेरे भाई देखो तो आ रहा था झुकना बोले ना। तो मिस्त्री तो आज हमारे आ गए हैं, तो अब मेरा काम बढ़ गया है, क्योंकि मुझे बनाना है इनके लिए खाना। पर खाना बनाने के लिए ना सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे खड़ी हो गई है मेरे लिए, ये कि हमारे मिस्त्री जी जो है ना, तो ये बोलते हैं कि हम ना चावल और दाल नहीं खाते हैं, ये ज़्यादातर रोटी खाते हैं। तो चलिए बनाते हैं इनके लिए रोटी, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। और यहाँ पे ना 3-4 शिमला मिर्च पकी हुई थी पेड़ पे, तो इनको पक्षियों ने नीचे गिरा दिया है, ये देखिए, और खा भी लिया है। ये देखिए भाई पक्षियों का आतंक। तो सबसे पहले तो अब मैं यहाँ से सब्जी निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे पीछे हमारी ये फ्रासबिन की बेल है, नेपाली फ्रासबिन, तो देखती हूँ इसमें सब्जी लगी है या नहीं। तो ये देखिए एक थाली मैंने सब्जी की निकाल ली है, तो अब फटाफट से मैं खाना बना लूंगी। और वीडियो तो आज बहुत ही कम बन पाएगी मुझसे, क्योंकि बाहर ना आज आवाज़ हो रही है मशीनों की। तो जी सब्जी को मैंने तड़का लगा लिया है, और इसको ना ज़्यादा टाइम लगता है पकने को, इसको सिर्फ 5 मिनट ही काफ़ी है। और यहाँ पे मैंने अभी अभी आटा पीसा है ना, तो आज ताज़े ताज़े आटे की रोटी बनेगी। तो खाना बना के और मिस्त्रियों को खाना खिला के अब मैं तो रसोई से हो गई हूँ फ्री, और दिन के 2:30 बज गए अंदर ही चूल्हे के पास मुझे। और यहाँ पे हमारे पशुओं को ठंड लग गई होगी, क्योंकि यहाँ पे आ गई है छाया, तो अब मैं इनको ना परे बांध लूँगी धूप में। और चंदू ना अपनी मम्मा को उठा रहा है, ये इसको बैठने नहीं देता, ये शैतान परेशान करता है इसको। फिर इनको बांधने के बाद चलते हैं मिस्त्रियों के पास और दिखाते हैं आपको कि क्या क्या किया है आज मिस्त्रियों ने पहले दिन। कर रहा है मम्मा को, चंदू कर रहा है मम्मा को तंग, ओए मम्मा को तंग कर रहा है, बैठने नहीं देता मम्मा को। तो यहाँ पे दिखाते हैं आपको कि मिस्त्रियों ने क्या क्या काम किया हुआ है। ये तो यहाँ पे चादर कटी हुई है, ये क्या थी लगनी चादर जो कटी हो पीसी हो, छपरा।
तो यहाँ पे मैंने प्राइमर का डब्बा लिया हुआ है और मैं इसको ना मिक्स कर रही हूँ लकड़ी से, और इसको ना यहाँ पे लगाना है। ये जो हमने तो नहीं पर मिस्त्रियों ने ये जो यहाँ पे बनाए हुए है ना बॉर्डर बोल रहे हैं इनको, तो इनको करना है प्राइमर, क्योंकि जब इनको फिर ऊपर छत पे रख लेंगे ना तो फिर ऊपर प्राइमर करना मुश्किल हो जाएगा, तो तब फिर इनको ना यहीं पे नीचे रखे रखे ही प्राइमर कर लेंगे। और वहाँ पे मिस्त्री जी अपना काम कर रहे हैं, बना पता नहीं क्या रहे हैं भाई, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जब छत पे लगेगा ना सारा सामान तभी समझ आएगा मुझे भी। बीड़ा दे मिस्त्री जी, बीड़ा दे जो क्या बनता है थे इन्नी थे वो स्लैब या ज्यादा स्लैब है तू या तो भी स्त्री जी ने बोला कि ये छत की ना रिज बन रही है, तो ये देखिए भाई ऐसी है रिज। तो प्राइमर को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे मैंने हाथ में एक कपड़ा लिया हुआ है, तो अब कपड़े से मैं ये प्राइमर यहाँ पे लगाऊंगी, ये जो पीछे बॉर्डर बना करके रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं लगा पाती हूँ मैं या नहीं। रुक दे नहीं ना करने देते तेरे घर करने उसे बना रखो समझो समझो ना बना रखो मेरे तो समय अंदर हो तुम्हारे तो समय अंदर है ना। तो जी अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हमारे मिस्त्री ना छुट्टी करके चले गए हैं घर को, और मैं यहाँ पे प्राइमर कर रही थी। ये देखिए दिख रहा है इनमें थोड़ा थोड़ा सा कलर, और अभी इनमें ना पेंट भी लगाना है, पर आज तो नहीं लगाऊंगी ना, आज तो मुझसे लगेगा भी नहीं। बाकी ये यहाँ पे रखी हुई है ये कुछ पाइपें ना, तो इनको भी मैंने अभी प्राइमर किया हुआ है, और आज मिस्त्री ने ना कटिंग का काम किया है ज़्यादातर, तो आज के दिन में ज़्यादातर कटिंग ही हुई है। बाकी ऊपर तो काम शुरू तो कर दिया है, लेकिन अभी ना बहुत ही कम लगाया हुआ, मतलब चारों तरफ को एंगल जो है ना तो उसकी एक लाइन लगा दी है। और मुझे अभी ना ये 3 पाइपें प्राइमर करने को बच गई है, तो अब मैं इनको प्राइमर कर लूँगी जल्दी जल्दी से, नहीं तो ना फिर मुझे हो जाएगा अंधेरा। और आज ना काम बढ़ गया है, आदमी कम है और काम ज़्यादा है, और मैं तो आज पेंटर बन गई हूँ, तो देखिए मेरे हाथों की हालत। मैंने अभी तार पिन से इनको साफ़ कर लिया था, नहीं तो ना फ़ोन पकड़ने की मुश्किल हो रही थी मुझे कि मैं फ़ोन कैसे पकड़ूँ, और वीडियो बनाने की भी मुश्किल हो रही है आज मुझे। और चारों तरफ को आज ना सामान ही सामान भी खराब पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एंगल वगैरह काट करके रखा हुआ है, और इस तरफ को पीछे को भी ये जो चादरें वगैरह थे ना इनको भी काट करके रखा हुआ है, तो आज काट करके रख लिया है ना, फिर कल लगाने को फिर जल्दी हो जाएगा। तब की है आज मिस्त्रियों ने ज़्यादातर कटिंग, और अब ना बहुत ही जल्दी हमारी छत बन ही जाएगी, तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल से 5-7 दिन इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा, तो चलिए दिखाते रहेंगे आपको रोज़ की कितना टाइम लगेगा यहाँ पे, मतलब कितने दिन लगेंगे। तो अब मैं पहले तो ये जो मुझे 3 पाइपें प्राइमर करने को बची है ना, तो इनको जल्दी से प्राइमर कर लूँगी, क्योंकि ना बहुत ही जल्दी अंधेरा हो जाएगा। वैसे काम तो ये काफ़ी है, तो मुझसे तो इतना हो नहीं पाएगा, लेकिन इन तीनों को तो मुझे अभी कम्प्लीट करना है, क्योंकि कल ना इनको मेरे ख्याल से यहाँ पर लगाना है। अभी मैं तो सोच रही हूँ कि मुझे ना कल तक या तो आदमी बुलाना पड़ेगा एक आध, मतलब ये जो पेंट वगैरह का काम है ना करने को, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं लग रहा है। एक तो मुझे खाना होता है बनाने को, और आज मैं ना बहुत खुश भी हूँ कि अब हमारे रसोई घर में भी छत बनेगी। तो जो 3 पाइपें बची थी मुझे ना प्राइमर करने को, उनको भी मैंने प्राइमर कर लिया है, और अब मैं भी यहाँ से छुट्टी कर लूँगी। वैसे अभी काफ़ी सारा एंगल है जिसको कि प्राइमर करना है, और इस प्राइमर के ऊपर अपना फिर से पेंट करना है काला, तो इसको तो अभी कल तक देखेंगे कब होगा कितना होगा, पर करना होगा इसको ज़रूर। और मेरे हाथों की हालत देखिए क्या हो गई है, हाथों की तो हुई हुई है, पर कपड़ों की भी आज मेरे ना बहुत बुरी हालत हो गई है, तो जितना मैंने प्राइमर यहाँ पे इन पाइपों को किया है ना, उतना ही मैंने खुद को भी कर लिया है अपने कपड़ों को, क्योंकि मुझे आता नहीं था, ऐसे ही कर लिया मैंने चलाओ का ना। और ऐसे भी कहते हैं कि जिसकी विद्या उसी को साजे, तो मुझे प्राइमर करने वाला काम तो आता था, पर फिर भी इसको ऐसे मिस्त्रियों ने बोला कि इसको कपड़ा लेकर के ऐसे रगड़ो, तो मैंने रगड़ लिया, फिर मिस्त्रियों ने बोला कि हाँ ऐसे ही लगाना है इसको, कुछ नहीं है, अच्छा लग गया है, तो चलिए लगा लिया है मैंने भी। और अब मैं पहले तो अपने हाथ साफ कर लूँगी इसी से ही। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और ऊपर प्राइमर कर रही थी मैंने, वहाँ से तो मैंने छुट्टी कर ली, लेकिन ना आज सुबह से जो भी बर्तन रखे थे ना जूठे, वो सारे के सारे धोने को पड़े हुए हैं मुझे दिन के भी, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं लगा मुझे, आज मिस्त्रियों को खाना खिलाया ना, उसके बाद जो भी बर्तन थे वो सारे इकट्ठे करके रखे हैं, तो अब मैं वो बर्तन साफ कर लूँगी, पर पहले ना पानी गर्म करूँगी और गर्म पानी से बर्तन धोऊँगी। तो अभी बज रहे हैं 7:45, और
जो भी बर्तन थे ना वो तो मैंने धो करके रख लिए हैं। वैसे बर्तन भी काफ़ी सारे थे आज मुझे धोने को, और अब मुझे जाना है भैंस धोने को, और भैंस धोने को ना मैं लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद बनेगा हमारा खाना। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, तो अपनी इस वीडियो का करूँगी यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कॉमेंट, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश।